अब क्वांटम मैकेनिक्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यूज। क्वांटम मैकेनिक्स सारी जो है फील्ड डेवलप करने का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उन मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी किया जा सके जिनको क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। तो फिजिक्स का जो है अल्टीमेट पर्पज होता है मेयरमेंट करना। मेयरमेंट करके कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे सामने आती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी पर्पस अल्टीमेट यही होगा कि हम डिफरेंट ऑपरेटर्स वेव फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके कोई मेयरमेंट सामने आएगी। तो मेयरमेंट से रिलेटेड ये टर्म है, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू को यूं डिफाइन किया जा सकता है, दी प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डायनामिकल वेरिएबल ड्यूरिंग मेयरमेंट इन क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेक्टेड वैल्यू बताता है किस चीज की, डायनामिकल वेरिएबल्स की। डायनामिकल वेरिएबल पे पहले भी बात हो चुकी है। डायनामिकल वेरिएबल के अंदर पोजीशन हो सकती है, मोमेंटम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है। तो आप एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं वेव फंक्शन पे, मेयरमेंट लेते हैं, मेयरमेंट लेके कोई आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है, उस एक्सपेक्टेड वैल्यू को एक्सपेक्टेशन वैल्यू का नाम दिया जाता है। तो ये कैसे फाइंड की जा सकती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? इसको फाइंड करने के लिए एक मैथमेटिकल रिलेशन यूज करते हैं। वो मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? अगर ऑपरेटर ए है तो ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? ए एक्सपेक्टेशन को यूं लिखा जाता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल साई स्टार ए साई डी एक्स बाय साई स्टार साई डी एक्स। समटाइम जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसका फार्मूला कुछ बुक्स के अंदर आपको कुछ यू मिलेगा, इसमें डिनोमिनेटर नहीं होगा, मींस डिनोमिनेटर इक्वल टू वन होगा। ये वो केस होगा जब जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के केस में साई स्टार साई इंटेग्रल इक्वल टू वन होता है। तो ए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो सिंपली बन जाएगी इंटेग्रल साई स्टार ए ऑपरेटर इंटू साई। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिराक नोटेशन में भी देखा जा सकता है। अगर डिराक नोटेशन की बात की जाए, यही एक्सपेक्टेशन वैल्यू बन जाएगी साई ब्रा ए साई कैट डिवाइडेड बाय साई ब्रा एंड साई कैट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिफरेंट जो वन डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें फाइंड की जाएगी। और आमतौर पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू चाहिए होती है वो पोजिशन और मोमेंटम की, और उसके साथ साथ फिर इसी तरह हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यानी कि एनर्जी के एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डिफरेंट केसेस में हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जो डिफरेंट अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज पे मजीद डिटेल से बात करेंगे। तो आज के लेक्चर के आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी रिलेशन। जैसे अभी मैंने बात की थी कि हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज फाइंड करते हैं, मेयरमेंट करते हैं, तो जब भी फिजिक्स के अंदर मेयरमेंट्स की बात होगी तो अनसर्टेनिटी पे लाजमी हम बात करेंगे। अनसर्टेनिटी सिंपल मीनिंग इसके क्या है? मेयरमेंट के दौरान जो पॉसिबल एरर होता है तो उसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाता है। पॉसिबल एरर की फिर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, मतलब अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, परसेंटेज, तो इसकी डिफरेंट जो है टाइप्स होती हैं सिंपल फिजिक्स के अंदर जो मेयरमेंट की जाती है। अनसर्टेनिटी के सोर्सेज क्या हैं? इसके डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं। ये ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, ड्यू टू जो है ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो अनसर्टेनिटी है वो अपियर होगा ड्यू टू ऑपरेटर। ऑपरेटर ऑपरेट किया जाता है स्टेट के ऊपर, और स्टेट पे जब ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं उसके थ्रू कोई एरर आने के चांसेस होते हैं, वेरिएशन आने के चांसेस होते हैं। तो कितनी वेरिएशन पॉसिबल है इसको एक मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू लिखा जाता है। अगर एक ऑपरेटर ए है वो ऑपरेट किया जाता है किसी वेव फंक्शन पर, तो वो ऐसे ऑपरेट हम करते हैं कि ए स्क्वेयर माइनस ए एक्सपेक्टेशन वैल्यू स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, इसको अनसर्टेनिटी का नाम दिया जाएगा। अनसर्टेनिटी मैथमेटिकली ए स्क्वेयर माइनस ए मॉड स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के इक्वल होगी। इसके मीनिंग क्या है कि आप किसी वेव फंक्शन पे ए स्क्वेयर ऑपरेटर अप्लाई कर दें और इसी तरह से फिर हम अप्लाई करते हैं ए ऑपरेटर, तो ये दोनों ऑपरेटर अप्लाई करके दोनों की मीन्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज ली जाती हैं।
ये फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि ये है ए स्क्वेयर एक्सपेक्टेशन माइनस ए एक्सपेक्टेशन स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट, यानी कि ए स्क्वेयर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज, ये दोनों अलग से फाइंड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। तो इसका स्क्वेयर रूट लिया जाता है, दैट इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर द अनसर्टेनिटी। तो दो ऑपरेटर्स की अगर अनसर्टेनिटी देखनी है, दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगा कि डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड बी कॉमटेटर रिलेशन एंड इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड इट्स मॉड डिवाइडेड बाई टू। तो इसको अप्लाई किया जा सकता है, पर्टिकुलर केस देखा जा सकता है पोजिशन और मोमेंटम का। पोजिशन और मोमेंटम पे जब ये दो ऑपरेटर्स की अनसर्टेनिटी का रिलेशन या प्रोडक्ट रिलेशन अप्लाई किया जाएगा, दैट विल बिकम डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर टू। ये हमने अभी प्रूव नहीं किया, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि पी और एक्स, एक्स और पी का जो कम्यूटेटर रिलेशन है वो इक्वल होता है आयोटा एच कट। तो यहाँ पे अगर आयोटा एच कट इंसर्ट किया जाए तो आयोटा क्योंकि मॉड की वजह से खत्म हो जाएगा, सो दिस रिलेशन बिकम्स एच कट बाय टू। तो ये अनसर्टेनिटी रिलेशन है, और इस अनसर्टेनिटी रिलेशन के थ्रू हम देख सकते हैं कि डिफरेंट जो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स हैं उनमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेबल्स हैं उनमें कितनी अनसर्टेनिटी बनती है। तो आज के लेक्चर का हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई प्रॉब्लम है, वो कमेंट्स में लाजमी लिखें, और मेरे चैनल फिज़िक्स आसान को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस पे आपको मज़ीद जो है शॉर्ट क्लिप्स भी मिलेंगे, पूरे के पूरे लेक्चर्स भी मिलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर। क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया है, जो ही ये क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज़ ख़त्म होगी तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मैं लेक्चर्स शुरू करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको व्यू करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें। अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।